मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और मेरी चीख निकल गई ये देखकर कि मेरे साथ बिल्ली सो रही है। वैसे ही मेरे साथ नहीं सोता है। सुबह हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। अब देखते हैं नाश्ते में क्या पक रहा है। अच्छा रोटियां बन रही हैं। अच्छा जब मेरे घर वाले देखते हैं ना कि मेरे हाथ में कैमरा है और फ्लैश भी ऑन है तो सब बोलने लगते हैं। जो इनसे नहीं भी कभी बोला होता ना वो भी बोलने लग जाते हैं। मेरे घर में सबको शौक है। फिर बाद में इन लोगों को होता है कि हाय। अच्छा ये हमारा शेफ है, ये क्या करता है ये शेफ हमारा। आप हमारे शेफ को 10 आलू दोगे ना उसमें से 5 खा लेगा और फिर काम करता है ये। पापा उमा मैडम ने जो है ना एक नया काम पकड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं ना पता नहीं फोटोज वीडियोज बना के इकट्ठी क्यों कर रही है। हुमा का एतराज सिर्फ ये है कि एक ही पार्टी के वोट एक ही पार्टी के पोस्टर क्यों लगे हैं, सब पार्टियों के क्यों नहीं। अभी शाम का वक्त हो रहा है और मगरिब होने वाली है। मैं लाइट ऑन करूंगी और देखती हूँ आज पकौड़े बनाने का मैंने कहा था बन रहे हैं या मुझे लारा लगाया जा रहा है। चलो देखते हैं पकौड़े बन भी रहे हैं मेरे लिए कि नहीं। मैं पकौड़े और चाय खाऊंगी। शाम के पकौड़े थे वो जला दिए हैं, गीला हाथ में तो चला गया है। शाम के पकौड़े रेडी हैं चाय के साथ मगर लग रहा है थोड़े थोड़े जला दिए गए हैं। चलो अभी चाय तैयार है मेरी कड़क चाय। अच्छा मैं निकालने लगी हूँ तो मुझे तो भूख लग रही है। जी मैंने जो पकौड़े खाने थे इन्होंने कड़ी में डाल दिया। मैं शाम के चाय के टाइम के पकौड़े कब खाऊं। बीफ नान चिकन नान बाहर सूप। आपके पास वो होता है चिकन चीज पराठा? नहीं वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा पराठा रोल क्या? चिकन बिरयानी हाफ, चिकन बिरयानी फुल कर दे। ठीक है जो 490 वाली है। जी 490 वाली जी। इसके अंदर ना आपने चावल ज्यादा रखने। चिकन के कितने पीसेस होते हैं? एक प्लेट में एक पीस होता है ना। ठीक है चावल आपने ज्यादा क्वांटिटी रखी। क्वांटिटी ज्यादा कर। इसमें क्या आ रहा है? चिकन रायता सलाद ड्रिंक। ठीक है ये जल्दी से कर दो। वो सूप लेकर आ रहा है तुम्हारी। थैंक यू। किसी बहाने टेस्ट हो जाएगा। अच्छा टेस्ट होता है। डन हो गया। डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मैं वो अभी लेके। ठीक है डन हो गया। ऐसे तो ना बड़े लाजमात। इसमें देखो अंडा भी है और इसमें वो भी है। बाबा शुक्रिया। बिल कितना हो गया? ये ना वो उसमें तो आपकी इसमें 60 रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं। 100 रुपया सूप का हो गया। 100 रुपया सूप का। ठीक है आप थोड़ी देर तक आते पिए। मैं अभी ठीक है 2-3 मिनट में आ रहा हूँ। इतनी देर रात को ये बिरयानी खा गया हमने और इतने मजे की बिरयानी है आधी रात में क्या ही कहूँ। ठीक है बिरयानी के साथ चाय। मैंने हुमा से कहा था मुझे बिरयानी के साथ चाय दो, ये इसने क्या कर दी है। अभी पूछ कर आती हूँ। हमने कंबल के अंदर घर बनाया हुआ है और हुमा भी घुसना चाह रही है इधर लेकिन इस टाइम मुन्नज़ा है और मुन्नज़ा को डर लग रहा है कि हम लोग जहाँ जाते हैं हुमा हमारे पीछे पहुँच जाती है। इस वक्त मैं और मुन्नज़ा हुमा से छुप कर इस कंबल में घुसे हुए हैं। इस वक्त मुन्नज़ा छुपी हुई है इधर दुश्मन पार्टी से छुप कर। ये मेरे साथ कंबल में आई हुई है ना और हम दोनों इस टाइम कंबल के अंदर हैं। इसको डर लग रहा है। इसको लग रहा है ये कौन से स्नैक्स हैं? किस बाबा है? आजम आदम के जमाने के स्नैक्स हैं ये बचपन के। प्लास्टिक के डब्बे में। हाँ वो खोल सा प्लास्टिक का डब्बा खोलते थे उसके अंदर से ये निकलते थे। हाँ याद है इतने पुराने स्नैक्स हैं। ये बहुत मजे की मीठी मकई है और ये मैं सुबह से खा रही हूँ। सुबह से नहीं ये मैडम हुमा लाई है यहाँ से लेके यहाँ तक कर दी है मैंने। ये बहुत पसंद है मीठी मकई। हुमा भी हुमा को भी पसंद है मुझे भी। शाम के टाइम में क्या बन रहा है? ये है ब्राउन टोस्ट के फ्रेंच टोस्ट। ये वाले मजे क्या। मैंने हुमा से कहा है कि मैंने चाउमीन खानी है तो ये मुझे बनाकर दे रही है मैगी नूडल्स। कहाँ चाउमीन कहाँ मैगी नूडल्स। इस मैगी नूडल्स में मैंने अपना ही मसाला डाला है केचप सोया सॉस चिकन पाउडर
मजा आ गया। हो गया भाई तैयार, क्या धुआंधार परफॉर्मेंस है भाई। पर ये मैगी नूडल्स नहीं है, ये कोई और किस्म की नूडल्स हैं, कोरियन टाइप मेरे ख्याल से, मगर मैगी नहीं है ये। आज मेरा दिल कर रहा है खास किस्म की कॉफ़ी पीने का, और उसका तरीका ये है। एक चम्मच चीनी और 1 टीस्पून हो गया कॉफ़ी का पानी। और इसमें अब जो स्पेशल चीज़ डालने लगी वो है मेरा ब्लेंड, स्पेशल ब्लेंड। किसी को नहीं पता मेरी कॉफ़ी मज़े की क्यों होती है, वो ये है इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये न्यूटेला, न्यूटेला में मैंने थोड़ी बहुत क्रीम डाली हुई है, और इससे क्या होगा कि कॉफ़ी मीठी, ज़्यादा कड़वी वाली जो है ना नहीं होगी, इतना काफ़ी है। अब देखिए क्या टेस्ट हो जाएगा कॉफ़ी का, थोड़ी चॉकलेट के साथ। उफ, ये ऐसी कॉफ़ी है, कभी आप पिए ना आप मुझे दुआएं देंगे। ये देखिए, इसको बिना दूध डाले भी पी सकते हैं और दूध के साथ भी। हुमा एक दिन के लिए मेरे घर रहने आई हुई है, तो मैंने सोचा उसको अच्छी सी कॉफ़ी बना कर दूँ। मैडम सो रही और पूरी एक्ट्रेस बनी हुई है कि सुबह सुबह उसको कॉफ़ी दी जाए बेड में। जाके मैडम को मैं ज़रा ये दूँ कॉफ़ी।